देखते हैं आज आपका दिन कैसा रहेगा। मेष, अपने रहन सहन में परिवर्तन लाएं। आप सोचते बहुत हैं पर करते कुछ नहीं। जरूरत है खुद को एक्टिव करने की। धर्म कर्म में रुचि रहेगी। राजकीय बाधा दूर होगी। भवन दुकान के निर्माण में समय व्यतीत होगा। वृषभ, दिन की शुरुआत में कई सारे काम सोचेंगे पर आलस के कारण समय पर पूरे नहीं होंगे। अपनों से विवाद ना करें, नौकरी में प्रयास अधिक करने पड़ेंगे। मिथुन, किसी की बात का दुख होगा। माता पिता के व्यवहार में परिवर्तन होने से आप चिंतित रहेंगे। राजकीय सहयोग मिलेगा, गृहस्थ सुख मिलेगा। नौकरी व्यवसाय में अनुकूलता होगी। कर्क, किसी से मिलने का बेसब्री से इंतजार होगा। जीवन शैली में आए परिवर्तन से लोग अचंभित होंगे। करियर के प्रति भय व कष्ट का माहौल रहेगा। संपत्ति के कार्य लाभ देंगे। सिंह, अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है। नेत्र संबंधित पीड़ा रहेगी। पार्टी पिकनिक का आनंद मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। नया वाहन सुख मिलने की संभावना है। कन्या, जो भी कार्य करें मन लगाकर करें। धार्मिक यात्रा के योग हैं। यात्रा में सावधानी रखें। लेन देन में विवाद आदि से बचें। शरीर में कष्ट रह सकता है। परिवार से सुखद समाचार मिल सकता है। तुला, व्यापार में धन प्राप्ति सुगम होगी। परिणय प्रयास सफल रहेंगे। घर बाहर पूछ परख रहेगी। यात्रा सफल रहेगी। आपके व्यवहार से रुके काम बन जाएंगे। वृश्चिक, अपनों से शुभ समाचार मिलेंगे। आत्मसम्मान बढ़ेगा। व्यवसाय ठीक चलेगा। अस्वस्थता रहेगी। किसी मेहमान के कार्य को करने के लिए अपने पद का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। धनु, अनजाने में कोई कटु बात बोल सकते हैं। संभल कर बोलें। शरीर कष्टमय रह सकता है। यात्रा सफल रहेगी। बेरोजगारी दूर हो सकती है। निवेश आदि मनोनुकूल रहेगा। विवाद ना करें। मकर, आपके अनुभव के द्वारा काम आसानी से पूरे होंगे। अचानक विवाद से हानि की आशंका है। फालतू खर्च बढ़ेगा। परोपकार की भावना रखें। आप जो कमाते हैं उसमें केवल आपका भाग्य नहीं जुड़ा रहता, कई लोगों का भाग्य लगा रहता है। कुंभ, काम को पूरा करने के लिए समय कम लगेगा। कारोबार में रुके कार्य में गति आएगी। यात्रा सफल रहेगी। शत्रु परास्त होंगे। चिंता रहेगी। मीन, आपके व्यापार से लोग नाराज होंगे। मेहमानों का आवागमन दिनचर्या को प्रभावित करेगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। उत्तेजना से कार्य बिगड़ेंगे। सुख सुविधा के साधनों पर खर्च बढ़ेगा। Thank you.